नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी का अचार हिमाचल स्टाइल में। ये है कच्ची हल्दी, इन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। ये बिल्कुल अदरक की तरह होती है और हिमाचल में लोग अपने घरों में लगाते हैं। ये कच्ची हल्दी के ऊपर के छिलकों को हमने अच्छे से छील लिया है। ये मेरी बेटियाँ मेरी हेल्प करा रही हैं, ये इनका फेवरेट काम है मेरा हेल्प करना। और ये मैंने सारी हल्दियों को छील लिया है। इन्हें मैंने बड़ा बड़ा पीस रखा है क्योंकि इसे जब हम गलाएंगे तो ये काफ़ी ऐसे ज़्यादा गल ना जाए, इसलिए मैंने लंबे लंबे पीस काटे हैं। आपको जिस स्टाइल में काटना हो आप काट लीजिएगा। ये मैंने अर्ली मॉर्निंग 8 बजे रखा था और मैं इसे 3 से 4 घंटे की धूप में लगाऊंगी, जिससे इसका अंदर का जो मॉइस्चर है पानी वो अच्छे से सूख जाए। अचार में डालने वाली सामग्री देख लेते हैं। ये मैंने ली है 5 से 10 से 15 लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, हींग, ये पतंजलि का ही मैं यूज़ करती हूँ, और नमक, ये राई, मेथी और काली मिर्च पाउडर, और सौंफ। सौंफ इसमें बहुत ज़रूरी है। ये जो मेथी है इसे हम थोड़ा सा, ये राई, मेथी और मिर्च और जीरा, इसे हम थोड़ा सा तवे में थोड़ा सा भून लेंगे और इन सब का हम चारों का एक पाउडर बना लेंगे। इसमें डालने के लिए सिरका लिया है मैंने, नींबू का रस, आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, देगी लाल मिर्च रंग के लिए। ये मैंने मेथी, इसे हम थोड़ा गरम तवे में रोस्ट कर लेंगे, इसकी बहुत अच्छी सोंधी खुशबू आती है, तो इसे हम अच्छे से थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा भून लेंगे। जब ये इसकी खुशबू आने लगे तो आप हटा लीजिएगा। ऐसे करके हम राई, इसे भी हम गरम कर लेंगे। जब ये दाने, एक आवाज़ होती है गरम होने की, आप तब तक इसे थोड़ा गरम करिएगा। ये हमने जीरा ले लिया है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम ये तीनों मटेरियल है इसे हम मिक्सी में एक थोड़ा दरदरा पाउडर फॉर्म बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। मैं इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ तीनों को। ये हमने दरदरा पाउडर बना लिया है सारे मसालों का, आप भी ऐसे बना लीजिएगा। मेथी जो है वो थोड़ी कड़वी टेस्ट आती है, इसलिए दरदरा पीस लीजिएगा। ये अब हमारा मसाला हो गया तैयार, जो अभी हमें तेल में डालना है। ये हमारा तेल हो चुका है गरम। हमने 1 किलो हल्दी ली है तो उसमें हम 250 ml सरसों का तेल लेंगे। ये मैंने सबसे पहले लिए हींग, ये 1 चम्मच हींग है। जब ये थोड़ा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे हल्दी। वैसे ज़रूरी नहीं है पर मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं अभी इसमें 2 स्पून हल्दी डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा पका लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे सौंफ, ये 3 बड़ी चम्मच सौंफ हैं। ये जितना भी मसाला मैंने लिया है वो 3 चम्मच लिया है। इसमें अजवाइन मैंने ली है, ये अजवाइन अब डालेंगे सौंफ के साथ। इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे हल्का हल्का, ना ये जले ना ये पके, हल्का थोड़ा कच्चा रहे। इसके बाद हम डालेंगे काली मिर्च, नमक। नमक जो है वो जब मैंने बनाया तो थोड़ा कम लगा था, ऐसे 2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया था, बाद में मैंने 1 चम्मच और नमक डाला था। हल्दी, इस टाइम पे अब हम डाल देंगे हल्दी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे ये पूरा मसाला जो है वो सभी मसालों को हम अच्छे तरीके से हल्दी में मिलाएंगे। इसे चम्मच से इसी तरीके से हिलाते जाइएगा जिससे मसाला अच्छे से इसमें मिल जाए। स्विमिंग इन द स्टीम।
जब हमारी हल्दी थोड़ा पक जाए तो इसमें हम डालेंगे 20 से 25 लहसुन की कलियाँ। ये हमारा जो मसाला है ये अब इसमें डलेगा। ये हमने लिया है एक कटोरी सिरका, नींबू का रस, काली मिर्च, नमक, सौंफ, अजवाइन। ये अब हम ऊपर से डालेंगे सारे मसाले में। ये लहसुन की कलियों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये जो मसाला है जो हमने बनाया था, ये हमने दरदरा पीसा था, इसे हम अच्छे से इसमें भी मिक्स कर देंगे। ये इसी टाइम पे डलता है और इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पे हम डालेंगे देगी लाल मिर्च, ये मैं कलर के लिए यूज़ करती हूँ, बाकी इसमें मैंने लाल मिर्च और काली मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है। ये सिर्फ देगी लाल मिर्च कलर के लिए। ये एक स्पून नमक, मैंने बताया था आपको कि पहले मैंने 2 स्पून लिया था, ये अब 3 स्पून नमक इसमें मेरा टोटल मिक्स हो गया है। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हमें सिर्फ 5 से 7 मिनट और पकाना है, ये जो मसाला है जिससे ये इस हल्दी में अच्छे से मिल जाए। ये अचार हमारा बनके हो गया है तैयार। इसे बस अभी हमें ठंडा होने देना है। ये मैंने पिक्स खींची थी और ये हमारा अचार जो है अब वो बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। आप इसे खा भी सकते हैं और यदि आप इसे 2 से 3 दिन की धूप भी लगा देंगे तो और अच्छा है, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। तो मैं इसे ठंडा होने दूंगी और किसी बोतल में अच्छे से उसे धूप में सुखा कर धोकर उस बोतल के अंदर रख दूंगी, जैसे मैंने ये बोतल धो दी थी इसके अंदर मैं रख दूंगी और इसे मैं 2 से 3 दिन की धूप लगाऊंगी। और आप भी बना कर देखिएगा और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।